हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ पार्ट टू हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसमें भी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट के। आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से पार्ट वन देख सकते हो और ये है पार्ट टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड हेल्थ इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू लिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट। सो दिस इज सेड बाय विलियम्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, विलियम्स। क्वेश्चन नंबर टू, हेल्थ एजुकेशन इज़ अ प्रोफेशन ऑफ एजुकेटिंग पीपल अबाउट हेल्थ। एरिया विद इन दिस प्रोफेशन इन कंपास। सो फर्स्ट ऑप्शन इज फिजिकल हेल्थ, बी इज सोशल हेल्थ, सी इज स्पिरिचुअल हेल्थ, डी इज ऑल ऑफ अबव। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव, क्योंकि ये ऊपर वाली तीनों ऑप्शन ये क्या है, ये हेल्थ एजुकेशन के अंडर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं। इसमें और भी काफ़ी एरियाज़ हैं, जैसे मेंटल हेल्थ हो गई, फिज़िकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इंटेक्चुअल, सो नॉलेज, एटीट्यूड, ये सारे इसके अंडर आ जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई हेल्थ एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हेल्थ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है उसको अच्छा करता है हेल्थ एजुकेशन। ऑप्शन बी इज इट इम्प्रूव ओनली मेंटल हेल्थ। नो, मेंटल हेल्थ अकेले को नहीं इम्प्रूव करता, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सारे उस सभी की इम्प्रूवमेंट होती है। सी ऑप्शन इज टू पास द एग्ज़ाम, ये तो गलत है। ऑप्शन डी इज़ टू बेनिफिटिंग स्टेक होल्डर्स, ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, इट इन्हांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हेल्थ एजुकेशन है ये क्या करता है, किसी इंडिविजुअल की, फैमिली की, या पूरी कम्युनिटी की, स्टेट की, नेशन की, जो लाइफ की क्वालिटी है उसको इन्हांस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर, हेल्थ एजुकेशन इज अ, सो हेल्थ एजुकेशन इज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये कॉन्टीन्यूस भी है और डायनामिक भी है। ठीक है, इट इज कॉन्टीन्यूस प्रोसेस एंड डायनामिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, हेल्थ एजुकेशन इज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये लगातार चलता रहना चाहिए, लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट होती रहनी चाहिए और कॉन्टीन्यूसली बच्चों को इसके बारे में एजुकेट करते रहना चाहिए हेल्थ के बारे में। तो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी को, नेशन को हमें एजुकेट करते रहना चाहिए। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, फिज़िकल एजुकेशन इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ, सो इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बी करेक्ट है, फिज़िकल एजुकेशन इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल रीडिंग अ चाइल्ड मस्ट सिट डैश एंड होल्ड द बुक एट एन एंगल ऑफ डैश डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो जब बच्चा पढ़ने बैठे तो उसको कैसे बैठना चाहिए, इरेक्ट, सीधे बैठना चाहिए। एंड होल्ड द बुक एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री पे उसको बुक को होल्ड करके रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी, वाइल रीडिंग द चाइल्ड मस्ट सिट इरेक्ट एंड होल्ड द बुक at an angle of 45 degree to the horizontal. So, option C is correct.
क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्चर डिफॉर्मिटीज. तो यहाँ पे जो नहीं है पोस्चर डिफॉर्मिटीज वो है इन्फ्लुएंजा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा क्या है, डिजीज़ है ये, जिसमें कि गला खराब हो जाता है, फीवर हो जाता है, ठीक है. तो इन्फ्लुएंजा इज अ डिजीज, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हुआ ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, मैच द डिजीज विद साइन एंड सिम्टम्स. ठीक है, एक साइड पे डिजीज दी हुई है और एक साइड पे सिम्टम्स है, तो उनको मैच करना है. पहला है मीजल्स. मीजल्स में क्या होता है, मीजल्स में क्या होता है, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, इन सब सभी के साइन और सिम्टम्स दिए हुए हैं एक साइड पे, उनको मैच करना है. तो चलिए जैसे कि एक कॉमन है चिकन पॉक्स, इसी का सभी को पता होगा क्या हो जाता है, इससे रैशेस हो जाते हैं और इचिंग होती है स्किन पे, ठीक है, चिकन पॉक्स. तो यहाँ पे इसको कैसे, किसके साथ मैच करेंगे, सी के साथ, ठीक है. अभी देखिए अगर आप नीचे ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ सी जो है वो दूसरे के साथ सिर्फ दो नंबर ऑप्शन पे है. अगर आपको यहाँ पे एक भी पता है, जैसे अगर वो ठीक पोजीशन पे है तो वो ऑप्शन आपकी सीधी सीधी करेक्ट हो जाएगी, अगर आपको अदर ऑप्शंस नहीं भी पता. तो जैसे मलेरिया है, मलेरिया में क्या होता है, फीवर, शिवरिंग होती है, तो ये क्या है, फोर्थ को ए के साथ मैच किया है, तो जो ए है वो फोर्थ नंबर पे है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 2, डी सी बी ए. मीजल्स क्या हो गया, रनिंग नोज एंड कफ, इन्फ्लुएंजा, सोर थ्रॉट, मलेरिया में फीवर एंड शिवरिंग, ठीक है, और चिकन पॉक्स में हो गई इचिंग एंड रैशेज ऑन द स्किन. तो ये कुछ उनके साइंस और सिम्टम्स हो गए डिजीजेस के. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, H1N1 जो कि स्वाइन फ्लू है, इज और एन अ डैश डिजीज. कौन सी डिजीज है ये, इट इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है. तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो दो तरह की होती है, कॉन्टेनियस एंड इन्फेक्शियस, ठीक है. और यहाँ पे जो स्वाइन फ्लू है वो क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो कि ट्रांसमिट हो जाता है, जैसे वाटर से हो गया, फूड या एयर से जो चीज़ें ट्रांसमिट हो जाती हैं उनको बोल देते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, नॉन ट्रांसमिसिबल होती हैं, वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती. जैसे कि एग्जांपल होगी कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, ये ट्रांसमिट नहीं होती, ठीक है. तो ये क्या होगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या नॉन ट्रांसमिसिबल. क्वेश्चन नंबर 12, डैमेज और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. जब कोई भी लिगामेंट डैमेज हो जाए या टीयर अप हो जाए तो उसको स्ट्रेन बोलते हैं. और स्ट्रेन क्या होता है, जब कोई मसल डैमेज हो जाए तो उसको स्ट्रेन बोलते हैं. फ्रैक्चर किसको बोलते हैं, जब कोई हड्डी वगैरह टूट जाए पार्शली या कम्प्लीटली, उसको फ्रैक्चर बोल देते हैं. और डिसलोकेशन क्या होती है, जब कोई जॉइंट क्या होता है, यहाँ पर दो बोन्स मिलती हैं, अगर वो डिसलोकेट हो जाए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा हट जाए, तो उसको डिसलोकेशन बोल देते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डैमेज और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट इट इज़ कॉल्ड स्प्रेन. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ तमसिक फूड. सो बीफ फर्स्ट ऑप्शन है, यस ये तमसिक है, बट इट इज़ अ सात्विक फूड. सो क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ तमसिक फूड. सो बटर इज नॉट अ तमसिक, इट इज़ अ सात्विक फूड. सो बी इज द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द मिनरल विद इट्स सोर्सेस. तो पहला है हमारा कैल्शियम मिनरल है, तो उसको हमें मैच करना है उसके सोर्स से. तो कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? नट, सीड या ऑर्गन मीट से. ठीक है. सोडियम कहाँ से मिलता है हमें? सॉल्ट से मिलता है सोडियम. आयरन किस से मिलता है? आयरन हमें मिलता है रेड मीट, फिश, एग से. और कॉपर, कॉपर हमें मिलता है नट, सीड, ऑर्गन मीट से. और कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क, एलमंड्स और एग से. ठीक है. कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क, एलमंड और एग से. सोडियम सॉल्ट से. आयरन हमें रेड मीट, फिश और एग से मिलता है. और कॉपर हो गया नट, सीड और ऑर्गन मीट. तो यहाँ पे सी ए बी डी करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर पोजीशन पे. तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ द आइसोलेशन ऑफ एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल सच दैट ही डज नॉट मिंगल विद अदर टिल द इनक्यूबेशन पीरियड इज ओवर. सो दिस टर्म इज वेरी कॉमन नाउ डेज. सो इट इज ऑप्शन सी, क्वारंटाइन. सो सी इज द करेक्ट आंसर. सो दिस वॉज अवर लास्ट क्वेश्चन. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू.